हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओनेक्स रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनेक्स रिएक्शन में। आज हम जो वीडियो, कौन सा वीडियो? आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडियन गाइज आस्किंग हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है। चलो मिल के देखते हैं। चलो अगर हम पाकिस्तान में आए तो कैसा करोगे आप, तो देखते हैं मिलके। देखें असल में यार किडनी में बहुत पेन हो रहा है, और सुबह से चलाओ, मैं आपको डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। यार असल में क्या है कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। नहीं कोई बात नहीं, जानते नहीं हो तो क्या यार। क्या है कि आपको मैं सीधी बात बता दो, समस्या ये मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, और मेरे आते ही सामान चोरी हो गया। उसके बाद मैं 10 दिन से यहाँ से भटक रहा हूँ। यार आप मेरे भाई, आप हिंदुस्तान से हो, कहाँ से भी हो, रोने की जरूरत नहीं है। सवाल पूरा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चलो मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, मेरे लिए कोई समस्या ना बन जाए। कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, मैं हूँ, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। आप यहाँ से चला नहीं जाए, बैठो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, आप चलो यार साथ, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कुछ खाया भी नहीं 2 दिन से। चलो कुछ नहीं, खाना वाना भी खिलाते हैं, आ जाओ यार, आपको उधर लेके चलते हैं हॉस्पिटल। आप फोन नहीं करना एम्बुलेंस? नहीं नहीं यार, आ जाओ आप, आराम से खड़े हो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, बहुत अच्छा लगा आपने ये किया। मैं कोई हिंदुस्तान से भी नहीं और मैं बीमार भी नहीं हूँ। हमारा कैमरा लगा, हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम ये देखना चाह रहे थे कि एक हिंदुस्तानी की मदद आप उसी तरह, जैसे आपको पहले नहीं पता था, आपको लगा पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर जब मैंने आपको बताया मैं इंडिया को, आपने तब भी मदद करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है आपसे। मैं भाई, आप इंडिया के हैं, अमेरिका से हैं, जहाँ से भी आए हैं तो इंसान ना, बेशक। और हम मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम इंसान की मदद करते हैं, हम इंडिया या हिंदुओं को नहीं जानते। बहुत अच्छा लगा कि इंसान हो आप, बहुत अच्छा लगा। एक बार हाथ दिला, क्या हाल है भैया? यार आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा नहीं माने। जी मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, और आते ही तकरीबन दो तीन दिन पहले मेरे पैसे गुम गए, और अभी मेरे, मैं आपसे थोड़ी मदद चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। हम गरीब आदमी हैं भाई, मजदूर आदमी हैं, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम का मैं क्या, मुझे भूख लगी भाई। नहीं नहीं, आइसक्रीम का मैं क्या करूँगा, मैं आइसक्रीम खाओ भाई, जो यही कर सकते हो भाई। अभी हम खुद मजदूर, भूखे को तो पत्थर भी सही लगता है, तो आइसक्रीम आप आइसक्रीम जितनी मर्जी खाएं, लेकिन पैसे नहीं हमारे पास, हम खुद मजदूर आदमी। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी दिन में कितनी दिहाड़ी लगती है? ये दिन में भाई हो सकता है कि खाने के पैसे भी खुद को भरने पड़ गए। इतनी बड़ी बात, अच्छा एक मुझे बात बताएं, ये आइसक्रीम, ये तो वर्ल्ड्स कंपनी है, ये तो आपको तो नहीं मिलता, ये तो कंपनी से आइसक्रीम बिकती है, आप तो दिहाड़ी पे होते। एक बात बताओ, मैं इंडिया का नहीं, हमारा कैमरा लगा, हम लोग एक शूट कर रहे हैं, हम लोग देखना चाह रहे थे कि जो आम आवाम है पाकिस्तान की, इनका दिल कितना बड़ा है। और भाई इन्होंने मुझे ये बिल्कुल फ्री में दिए, इनको जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि ये वॉल्स कंपनी है, इनकी अपनी कोई जाती कंपनी नहीं है। मैं जानता हूँ मैं पाकिस्तान का हूँ, ये वॉल्स कंपनी है, इन लोगों की जो है एक दिहाड़ी होती है दिन की, जो फिक्स प्राइस होती है, फिर भी इन्होंने मुझे आइसक्रीम निकाल के दिया, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसके पे करूँगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं कुछ करूँ इंशाल्लाह, कैमरे के बाद हम लोग बात कर लेंगे। कट कर दो भैया, बात सुनिएगा सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए भैया, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है इस वक्त, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। माफ़ करो यार। नहीं नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं अब मेरी, नहीं नहीं मैं मांग नहीं रहा आपसे, मेरी आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। समस्या मेरे साथ ये कि मैं यहाँ गए नहीं हूँ, मैं आया हूँ, मैं इंडिया से, जी मैं इंडिया से आया हूँ, और यहाँ पर आते ही मेरा बैग चोरी हो गया, मेरे पासपोर्ट, मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे उसी में, और वो यहाँ आते ही चोरी हो गए। अभी मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, मुझे किसी तरह वापस अपने देश जाना है,
तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप कुछ मेरे लिए कर सकते हो मुझे वापस हिंदुस्तान भेजने की कोई? आप चले आए, मैं आपको कुछ खिला पिला दूँ, आपकी कोई मदद? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी पैसे वैसे नहीं चाहिए, ना ही मुझे खाना खाना है, मुझे यहाँ से किसी तरह भारत वापस जाना है। उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। सॉरी यार, मैं आपकी इस तरह कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? मैं आपको पुलिस स्टेशन वगैरह आप जाएँ, वहाँ जाके अपनी बताएं आप। लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास कोई किराए के लिए पैसे भी नहीं है। चलो मैं आपको इतना कर सकता हूँ, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, ठीक है? आप वहाँ जाएँ। कहाँ जाऊँ मैं? आप पुलिस स्टेशन जाएँ, अपनी समस्या बताएँ, जो भी आपका वो आपको थोड़ा बेटर इंफॉर्मेशन। ये कितने होते हैं? 500 है जी? 500 लगे? ये 500 है, ये इतने हैं कि आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन। यार एक बात बताऊँ आपको, आपने ऐसे ही किसी को 500 रुपये निकाल के दे दिए, बहुत बड़ी बात है। ये आप 500 में रखें, मेरी बात सुन लें। सही है, मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का ही हूँ। हमारा कैमरा लगा, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, गाड़ी में देखो हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। ये देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तानियों का दिल कितना बड़ा है, और हमारे वीडियोज़ को इंडियंस भी देखते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे पता है कि इंडिया की आवाम भी अच्छी है, लेकिन जो ये हुकूमतों ने जो लड़ाई छेड़ी है ना, इससे सारे लोग समझते हैं कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। भाई अगर आप मेरे से नफरत करते, आप 500 रुपये निकाल के दे देते? नहीं देते, नहीं देते ना? तो आप एक बार ये कैमरे को देख के बताएं कि आपको हिंदुस्तान की आवाम से कोई मसला है? नहीं भैया, मैं हिंदुस्तान से कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। भाई ये शूट मैंने आपको कोई तैयार तो नहीं किया, कोई एक्टर तो नहीं हो, अपने रास्ते जा रहे थे? जी जी भाई, अल्लाह गवाह है, मैं इनका नाम भी नहीं जानता, ठीक है? ये सीधी बात है, मैं इनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन बस आपने मदद की, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, अपना टाइम आएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलें। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आया हूँ इंडिया से। अच्छा जी, 3 दिन पहले मैं आया था, मेरा पूरा सामान चोरी हो गया आते ही। तो अभी मेरे पास ना पैसे हैं, ना मेरा पासपोर्ट है, ना मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। मैं आपसे थोड़ी मदद चाह रहा हूँ। तो आप आए और आपने खाना वगैरह भी नहीं खाया हुआ, वॉलेट चोरी हो गया है? 3 दिन से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, वो तो एक बंदे ने खिला दिया था 2 दिन पहले। अभी 2 दिन से मैं बिल्कुल। आप एक काम करें, सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, हम वहाँ चलते हैं, हमारे घर चलते हैं, खाना भी खाते हैं। मेरे अबू है जो पुलिस में, अच्छा, तो वो काफ़ी लोगों को जानते हैं, और दुआ सलाम भी है, तो आपका सामान हम दिलवा देते हैं। लेकिन अभी मैं इंडिया से हूँ, आपके अगर अबू ने मुझे कहीं पर नहीं जिम्मेवारी कहते, आप इंडिया से हो क्या? वो बहुत आपका सामान घूमें, इंसानियत की बात है ना बहुत। लेकिन फिर भी आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं बहुत वो होता है, लेकिन आप अभी हमारे भाई की तरह, आप इंडिया से आए, आपको कुछ है नहीं, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, तो ये तो इशू है ना आपके लिए। तो आप हम इंसानियत के नाते हम आपको एक बात बताऊँ मैं जी, आप बहुत अच्छे हो माशाल्लाह, कैमरा लगा, हम लोग, मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का ही हूँ। वहाँ देखो कैमरा गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम का दिल। आपकी एज क्या है? मेरी 16 साल। 16 साल का बिल्कुल यंग लड़का है मेरे छोटे भाइयों की तरह। देखो इसने भी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब पुलिस में, वो आपको सामान भी दिलवा देंगे। यहाँ के बच्चों में, यंगस्टर्स में भी आप देख सकते हो मदद करने का कितना वो है। यार कैसे आपने सोच लिया कि आप मुझे मेरी मदद? और बात ये ना जो है इंसानियत की बात है, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान किसी भी मुल्क से हैं, इंसानियत जो है वो इंसानियत के आगे। यार मेरा दिल खुश हो गया। आपका नाम क्या है? सैयद उमर शाह। उमर भाई बड़ा दिल खुश हुआ है मेरा, यंगस्टर्स को ऐसा काम करते हुए मैं देखता हूँ ना, मुझे दिल से खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हमने टाइम ज़ाया किया उसके लिए, सॉरी। बाकी आप कैमरे में देख के एक बार हाथ हिला दो भाई, ये हमारे छोटे हीरो हैं इस वक्त इस वीडियो के, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच यार। भैया बात सुनिएगा ज़रा, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है कि आप, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। इंडिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी जी, मैं वहाँ से आया हूँ, और आते ही जो है मेरा सामान चोरी हो गया। तो अभी मेरे पास ना मेरा पासपोर्ट है, ना मेरा आधार कार्ड है, सब उसी में, वो बैग के अंदर ही था। तो आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? आपकी मैं यही हेल्प कर सकता हूँ, आप किसी गवर्नमेंट इदारे में चले जाएँ, उनको बोले, हम तो आवाम लोग क्या आप क्या कर सकते, आपको इंडिया तो नहीं भेज सकते। आप जो है ना किसी अदारे में जाए, गवर्नमेंट मुलाजिम के पास जाए, या फिर पुलिस चौकी जाए, या पुलिस स्टेशन जाए, कहीं जाए। कहाँ पे जाऊँ आप कोई मेरे को बताओ? यहाँ का ये चौकी है, इसके पास चले जाए, ये इधर सामने। हाँ ये सामने से स्टेट किस में? कौन सा ये वो है, ये कोई मतलब पुलिस स्टेशन चौकी है, पुलिस चौकी। मेरे साथ वो कोई प्रॉब्लम अगर हो गया, मैं यहाँ कहीं नहीं, उसको बोल दें आपने प्रॉब्लम बता देना कि भैया मेरे साथ ये सीन हुआ, अभी हम गरीब आवाम के साथ इंडिया तो नहीं जाए, जो करेगा आपके साथ गवर्नमेंट से कर सकता है। चले धन्यवाद आपका, इतना आपने बोला, क्योंकि मेरे पास और तो कोई चारा नहीं है, मैं जाके फिर देखता हूँ वहाँ पे शायद कुछ ले जाओ। सामने चौकी है, चलिए धन्यवाद बहुत।
एक मिनट बात सुनो ज़रा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन जी। मैं आया हूँ इंडिया से, हिंदुस्तान से, और मेरा आते ही सामान चोरी हो गया। मैं 2 दिन पहले आया था, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैं पैदल ये पूरी जगहों पे घूम रहा हूँ। मेरे कमर में इधर बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूँ, आप अगर मुझे कुछ खिला देंगे तो। आप बैठे, मैं आपको खिला देता। मैं ऐसे बैठ तो नहीं सकता, आप मुझे डर लगता है थोड़ा सा। चले फिर आप ऐसा करें, आप ये पैसे रखें, कुछ खा लेंगे, ठीक है? आप पक्का? जी जी यार, बहुत मेहरबानी आपकी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। अनस भाई, आपसे एक बात करूं। जी। वो गाड़ी के अंदर मैंने कैमरा लगाया हुआ, अंदर देख रहे हो? जी जी। हम लोग एक छोटा सा शूट कर रहे थे ये देखने के लिए कि यार पाकिस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। मैं इंडिया से नहीं आया, पाकिस्तान के ही हूँ। मैं सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा था कि लोग मदद करते नहीं करते, और आपने मुझे ये 200 है, आपने मुझे 200 इन्होंने निकाल के दिए, जिसमें से एक बंदा आराम से खाना खा सकता है, बल्कि साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है। बहुत, मैं आपको, बहुत बड़ी बात है। कैसे यार आप लोग एक हिंदुस्तानी की मदद आप लोग कर लोगे? तो ये लोग जो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को हिंदुस्तान से मसला, ये झूठ है सारा? ये झूठ है। आपने मतलब इंडिया का जानते हुए भी आपने मदद कर दी थी? बड़ी बात है यार, ये 200 हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं रख लेना। नहीं नहीं, मैं तो यार झूठ कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया से होता और मेरे पास वाकई में सामान चोरी हो चुका होता तो मैं ले लेता। बाकी बहुत शुक्रिया यार, आपने दे दिया, आपने मदद कर दी, क्योंकि आपको तो नहीं पता था क्या हुआ। बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है सर, दोबारा पूछूंगा मैं। मोहम्मद अनस भाई, एक बार कैमरे में हाथ दिला दे। और बहुत बड़ी बात है, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, क्योंकि तरक्की के लिए आप जैसे यंगस्टर्स ही काम आएंगे। बहुत बड़ी बात है यार, थैंक यू सो मच। यहाँ पाकिस्तान 500 मिल सकते हैं, 200 मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ना हंसने की बात नहीं, चलो काफ़ी इमोशनल वीडियो था, और मतलब ये हकीकत है। होते क्या है कि अच्छा ही ज़्यादा है, बुरा ही कम है। दिखाया बुराई को जाता है ना दोनों देशों के बीच में, तो लोग समझते हैं कि यार कि इंडिया में सब वैसे लोग वैसे ही हैं, और फिर हम अगर वहाँ कोई देखे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे सब लोग ऐसे ही है, पर एक्चुअल में अच्छा ही क्या है कि ऐसे दिखती है। तो थैंक्स, ये जो यूट्यूब चैनल है आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे लोग बंदे बहुत कम मिलते हैं जो कि अच्छे को दिखाते हैं। अच्छे सब हैं, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, पाकिस्तान किसी बंदे को पता नहीं कि मैं कैसा हूँ, और वहाँ कोई बंदा बैठा है और कोई बुरा नहीं होता है। बुरे कुछ के होते हैं जो बहुत, उनका लेवल ही अलग होता है, उनको क्या ऊपर वाला अलग ही बनाता है, तो वो वाली बात है। बाकी जितने भी वीडियो थे, एक बंदे को एक जना 500 दे दिए उसने, हाँ, और एक शुरू वाले भाई साहब तो बिल्कुल मतलब हाँ ठीक है, पूरी हेल्प की और बोला मैं क्या ये कर दूँ वो कर दूँ। उन्होंने ये बोला कि इंसानियत, हिंदू विंदू ये सब ठीक है, इंसानियत के हिसाब से उन्होंने सोचा, तो यही होता है। ये सब चीज़ें तो इंसानों द्वारा बनाई हुई है ना, हम अलग अलग ये इनको ऐसे मानो, उसको ऐसे मानो, उसको ऐसे मानो, बाकी का क्या है, इंसान ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं ये मानता हूँ तो मेरे 2 3 आँख 4 हाथ पीछे ऐसे है, तो सब एक जैसे ही है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, ये वो टाइम आ गया अब, क्योंकि नफरत करने वाले अगर दुनिया चलाए तो कोई मतलब नहीं, अच्छे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा ना, तो वो वाली बात है। और बाकी जतिन बहुत बढ़िया, दिल बहुत बड़ा है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, बुरे ही दिखाओगे तो। अगर ऐसा कोई, अगर कोई गया और कोई बोले कि नहीं हम नहीं खाएं, तुम इंडिया से आए हम तुम्हें पकड़ लेंगे ये कर लेंगे, वैसा वीडियो अगर हम देखते तो कैसा लगता, तो हमारा हमको बुरा लगता, तो वो क्या होता, वो चीज़ डेवलप होती है ना, जो चीज़ बोगे वही बढ़ेगी। तो ये जो वीडियो देख के लगा ना, तो सब तरह के लोग होते हैं, तो अच्छाई को ही आगे बढ़ना चाहिए, अच्छाई को ही आगे बढ़ाओ तो तरक्की होगी, सुकून शांति मिले, शांति रहती है। देख लो हमारे दीपों को, भाव को, बोल ना इसको, तो सब अच्छा ही लगता है। कुछ बोलना है वीडियो के बारे में? हाँ अच्छा लगा, कि सब एक दूसरे की मदद करने के लिए, सब एक दूसरे की मदद नहीं, पर्टिकुलर एक बंदे की मदद कर रहे थे जो इंडिया से आया हुआ था,
पैसे भी दे दिए थे, पैसे भी दिए जा रहा है। तो फ्रेंड्स और भी अच्छे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप हमें भेजिए, हम उस पर उसको देखना चाहेंगे। और का अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो था हमने जो देखा था, वो सबसे बेस्ट वीडियो लगा है। तो थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा, पेड़ लगाएं, पोल्यूशन कम करें, पॉपुलेशन कम करें, और इस एनवायरनमेंट क्लाइमेट के बारे में सोचें और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन। ओके 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 फ्रेंड्स, बाय।